जब ख्याल और सवाल दोनों बवाल करने लगे तो आ जाओ यहाँ। ख्याल जुनून बन जाएगा और सवाल सुकून। ये जो भी आप देख रहे हो ये स्टेशन है अर्जी। मैं अभी स्टेशन पे हूँ, तो अभी मैं एक ट्रिप पे जाने वाला हूँ, सोलो ट्रिप पे। मतलब एक दिन का सोलो ट्रिप होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो आप, तो मैं बनारस जाने वाला हूँ, थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है, तो चलिए आपको ले के चलते हैं बनारस। चलिए जो ट्रेन है अंबेडकर नगर, जो कि कमखिया से बनारस साइड जाती है। तो मेरे कोचे स्लीपर में जल्दी बैठते हैं और सोते हैं, सीधा बनारस मिलते हैं आपसे हम। और ये जो आप देख रहे हैं, हम बनारस पहुंच गए। बनारस का स्टेशन है। तो अभी एक्चुअली हुआ क्या ना, अभी मैं सोए हुए थे, ट्रेन लगी हुई थी बनारस में, तो मुझे लगा अभी टाइम है बनारस आने में, तो अभी सोते तो फ़ोन देखे तो 5 बज गया। तो इसका टाइमिंग 5 बजे आपको उतारने का था। तो अभी देखे 5, जैसे जूते वूते पहने जल्दी उतरे, फिर नहीं तो ट्रेन तो छूट ही जाती, मैं दिल्ली चला जाता फिर। तो ये है कुछ आपके सामने बनारस स्टेशन, बाहर के नज़ारे कुछ मतलब ऐसे दिखता है। तो लो अब देखो बनारस स्टेशन कैसे दिखता है, आपको हर एक चीज़ दिखाएंगे हम। और ये जो पहला दिन है मेरा सोलो ट्रिप है, आज पूरा सोलो ट्रिप रहेगा और कल मेरा एक दोस्त आने वाला है पूरा मूड कचरा करने के लिए। और अभी सुबह के 5 बजे थे जब मैं उतरा था, तो मैं सोचा कैसे ऑटो करूँ, मतलब यहाँ पे नए लोग को देखना ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो मैंने उसको ओला कर लेता हूँ बाइक वाला से, तो बाइक वाला को मतलब ओला किया, फिर यहाँ से सीधे रूम पे गया। मेरा रूम पहले से बुक था मैक माई ट्रिप पे, मैं आपको दिखाऊंगा सारा रूम टूर वहाँ पे। चलिए पहले यही वो भैया जिनके साथ मैं आया, तो इनका फ़ोन नंबर लीजिए, कहीं जाने का जरूरत होगा तो ठीक है कर दूँगा। तो भैया बहुत अच्छे थे। तो चलिए अब तो ये है मेन गेट, मतलब एंट्री करने के लिए, मतलब वो घाट पे जाने के लिए। एक्चुअली हुआ क्या ना, मैं 5 बजे सुबह होटल के रूम पे पहुंचा, तो मतलब होटल दिखा नहीं, मैं होटल मतलब मिल ही नहीं रहा, तो कॉल भी नहीं उठाया, तो मुझे लगा फ्रॉड हो गया मेरे साथ। तो मैं सोचा लोग घाट पे चले घूम लेते सुबह सुबह, फिर एक बार कॉल उठाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग दूसरा होटल कर लेंगे। तो एक्चुअली वो लोग सोया हुआ था, फिर उन्होंने कॉल उठाया, फिर वहाँ पर मैं गया। तो चलिए पहले थोड़ा सा कुछ नज़ारा देख लीजिए घाट का, कि मैं सुबह सुबह मतलब रूम नहीं जाके मैं सीधा घाट पर चला गया। चलिए आपको दिखाते हैं घाट का पहले, मेरे को बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कब पहुँचूँ वहाँ पे। तो भाई ये कुछ घाट का पहला नज़ारा। तो भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब अकेले मैं तो पहले एक्साइटेड इसलिए कि मैं सोलो ट्रिप आया हूँ आज, कल आएगा मेरा दोस्त, तो कल आएगा मेरी सोलो ट्रिप। मतलब ये नज़ारा देख के ना दिल खुश हो गया था भाई, क्या ही बात है। शाम को जो देखोगे ना आप लाइट वाइट कसम। तो भी चलो पहले ही कुछ दिखाता हूँ मैं, मतलब बोटिंग अभी चालू नहीं होती है, 7 बजे करीब 7 बजे से होती है। तो अभी यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए सुबह सब सब आते हैं, तो मैंने भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे बैठ कर के लिए, मतलब क्या छील है ना ब्रो, यहाँ पे बता नहीं सकते, बस सुकून है सुकून। देखो मतलब ये इतनी सुंदर जगह है ना, इतनी सुंदर जगह, मतलब आपको ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, मतलब इतनी सुंदर जगह, मतलब बता नहीं सकते, मतलब लगेगा नहीं कि आप अकेले हो, इतना सुकून मिलेगा ना यहाँ पे। तो पहले आप देखो अच्छे से, उस टाइम के लिए मैं यहाँ पे आया था, मतलब रूम नहीं मिला, जैसा वो पता रूम नहीं मिला था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने चला था, फिर रूम पे चला गया था। तो मैंने सोचा पहले बोटिंग करूँ, फिर बोटिंग में टाइम लगा, फिर मैं होटल चला गया यहाँ पे, तो सोचा मैं बाद में बोटिंग करूँगा, तो चलिए होटल चलते पहले। तो मैं अभी होटल से निकल रहा हूँ, तो होटल में दिखा नहीं पाया, मतलब इसके लिए अलग एक वीडियो बना दूंगा। मतलब इतना कम प्राइस में होटल है ना, आपको बता नहीं सकते हम, सारा फैसिलिटी यहाँ पे और सब क्लीन। तो अभी ये होटल से मतलब होटल नहीं, हॉस्टल में थे हम लोग, हम लोग बोल रहे हैं हॉस्टल में थे। तो अभी वहाँ पर स्नान कर लिए होटल में, अभी चलते सीधा घाट की तरफ। घाट नहीं जाएंगे, पहले मंदिर चलेंगे, पूजा कर लेते हैं। तो आपको कुछ मैं बताऊँगा, थोड़ा ध्यान में रखना। तो चलो पहले चलते हैं।
ये जो आप देख रहे हो ये काशी विश्वनाथ टेम्पल है, जो कि कोई भी बनारस आता है तो इधर पूजा करने के लिए जरूर जाता है। तो अभी हम भी पहले सबसे पहले पूजा कर लेते हैं, फिर चलते हैं घाट की तरफ। तो ये कुछ काशी विश्वनाथ के गलियों का रास्ता, जो आपको सारा सामान यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी, जैसे कि फूल माला, प्रसाद, मिठाई, सब कुछ, मतलब इधर सब चीज का व्यवस्था है। मतलब यहाँ आप कुछ लोग फ्रॉड भी रहते हैं, सब बच के रहिए थोड़ा, जब ऐसे आपको कुछ कुछ दे देंगे, लेकिन आपका जो दिल करे फिराने का वो ले। तो अभी हमने भी जिस मेरे साथ ही फ्रॉड हो गया था, मैंने इसको 100 का मांगा था प्रसाद, तो मतलब उसने इतना बड़ा डब्बा दे दिया, फिर छोटे छोटे भगवान ने किया इधर उधर करना, तो फिर हम लोगों ने प्रसाद लिया, फिर हम लोग चले गए। मतलब इतना लाइन लगना पड़ता ना यहाँ पे, बता नहीं सकते। मतलब दो नंबर भी होता है, पैसा दो और सीधा दर्शन करो, इससे अच्छा क्या फ़ायदा। आप लाइन में लगो, सीधा पूजा करो, मतलब पैसा उसे मत देना, आप सीधा लाइन में लगना करना पूजा। और मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप यहाँ पे सारा सामान आपको लॉकर में रखना होगा, जो कि कुछ 10-20 रुपये लेंगे, जो कि आपको अंदर ले जाने नहीं देगा। तो हमने भी भैया के पास लॉकर में रख दिया फ़ोन सारा चीज़, आपको एक चाबी आपकी आपको देगा लॉकर का, आप जाओ और फिर ले जाओ, आपसे पैसे लेंगे, बस बात बराबर। तो अभी हम पूजा करके चले आए, जो कि बैग कहीं पर रखे हुए थे। तो यहाँ पे मतलब करीब 1.5 घंटे के बाद हम लोग मुकसद करके यहाँ पहुँचे, फिर हम लोग पूजा करे, फिर यहाँ से जा रहे हैं। मतलब बहुत ही कष्ट था भाई, बहुत लंबा लाइन लगना पड़ता है, बहुत ही लंबा। जो मैं पर्सा लेके चल पड़ा घाट की ओर। तो यहाँ पे आप बनारस आ रहे हो तो मतलब साड़ी इतनी सस्ती है ना, इतनी सस्ती साड़ी है, सारा चीज़ मतलब सस्ता ही, आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। मतलब टूरिस्ट प्लेस पे ऐसा होता है कि कहीं भी जाओ आपको बार्गेनिंग करना ही पड़े, बार्गेनिंग नहीं करोगे तो आप ठगे जाओगे। बार्गेनिंग करना बहुत जरूरी है, साड़ी बहुत ही सस्ता है, तो मैंने देखा बहुत सस्ता साड़ी है। तो अभी शाम के करीब 5:30 बज रहे हैं, तो अभी मैं वहाँ से पूजा करके सीधे होटल चला, क्योंकि मैं इतना थक गए थे ना, इतना थक गए थे कि घाट जाने का एकदम इच्छा नहीं करता था, इतना थके हुए थे। तो हम लोग वहाँ पे सो गए थे, फिर अभी घाट पे जा रहे हैं। तो आपको घाट ही क्यों नज़ारे देखने वाले हो ना भाई, कुछ मत, मतलब अभी शाम के घाट को दिखाऊँगा, मतलब बोटिंग करके दिखाऊँगा, वहाँ का दूर का पूरा 360 व्यू दिखाऊँगा आपको। चलिए सीधा आपको घाट पर लेके चलते हैं, मतलब बहुत ही सुकून की जगह है। अभी तक तो मैं सोलो हूँ, पता नहीं कब तक सोलो रहूँगा, मतलब बड़ा सुकून है भाई सोलो में। अब बनारस एक बार जरूर आओ, जरूर आओ बनारस। और ये है गोदोलिया, गोदोलिया मतलब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है घाट की ओर। तो अभी शाम को इतना भीड़ रहता है ना यहाँ पर, इतना भीड़ रहता है शाम को, आप बाजार पैर रखने का जगह नहीं है, रुक नहीं सकते वहाँ पर, आपको सीधा चलना पड़ेगा, कहीं रुक रुक नहीं, मतलब भीड़ है, बस मज़ा भी है, बहुत मज़ा है इस भीड़ में, इस भीड़ में बड़ा मज़ा। तो आप इस रास्ते से जाते हुए मतलब करीब 200 मीटर दूर चाहिए आपको, सीधे लेफ्ट लेके सीधा निकल, मतलब आपको हम दिखाते हैं कैसे जाना है, दिखाते सीधे हम लोग जा रहे थे। तो भाई ये है कुछ शाम के नज़ारे, लाइटों के साथ, बोटों के साथ, लोगों के साथ, पूरा भीड़, बहुत ही मज़ा आया। तो अभी चलिए अभी बोटिंग वोटिंग पूरा सब चीज़ दिखाएंगे आपको भी हम। तो भी इतनी खुशी हुई थी ना, इतनी खुशी हुई थी यहाँ पे, बताओ बता नहीं सकते। आप लोग देरी कीजिएगा। तो ये भैया भी हमें बोट पे लेके जा रहे हैं, जो कि हमने बार्गेनिंग करके 50 रुपया किया है। तो भैया बुला रहे हैं, तो बोट पे चलते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बोट पे जाने के लिए। तो करीब 10-15 मिनट रुक के भैया बोट स्टार्ट करते हैं, तो आपको नज़ारा दिखाएंगे ना, मतलब दिल खुश हो जाएगा, लगेगा कि आप बनारस में हो, ऐसा लगेगा। तो जो थोड़ा देर आपको दिखाते हैं अभी हम यहाँ का सीन। तो बोट चल चुकी है करीब 20 मिनट के बाद, अभी रात का नज़ारा देखो, और कल वाले एपिसोड में आप देखना सुबह का नज़ारा, सुबह हम लोग बोटिंग कर रहे, तो अभी देखो सब मज़े ही लो आप।
यहाँ पे घाट जो है करीब 88 घाट है पूरे बनारस में, तो आप पैदल पूरा घूम सकते हो। चंद्र सी जोत तुम्हारी जल निर्मल माता, जल निर्मल शरण पड़े जो शरण पड़े जो शोधन कर मंडित्रभा कुमार